दोस्तों, आज से 2 दिन पहले कोलकाता के तारातल्ला गोरगाछा में बीजेपी के ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि आसनसोल में आरएसएस के कार्यालय के ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता में अवैध अतिक्रमण को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फुटपाथ पे जो लोग दुकान लगाते हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, उनके दुकान के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ऐसे में खबर ये सामने आती है कि कोलकाता के तारातल्ला गोरगाछा में जो बीजेपी का कार्यालय था उसके ऊपर भी बुलडोजर चला। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि आरएसएस का जो कार्यालय है आसनसोल में, उसको भी नोटिस भेजा गया है और उस पे भी बुलडोजर चल सकता है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है, ममता के निष्कासन अभियान में पार्टी कार्यालय भी शामिल, तृणमूल के परिसर भी नहीं बचे। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बनाए पार्टी कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आसनसोल में नगर निगम ने कथित तौर पर एक जल आशय पर बने आरएसएस के कार्यालय को नोटिस भेजा है। आगे लिखा गया है, बेदखली अभियान के दौरान फुटपाथ पर दर्जनों अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का खामियाजा राजनीति दलों और संगठनों के कार्यालयों को भुगतना पड़ रहा है। कोलकाता के तारातल्ला इलाके में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक कार्यालय को ध्वस्त किए जाने के एक दिन के बाद आसनसोल नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक प्रतिष्ठान को बेदखली का नोटिस भेजा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है तो वह आरएसएस के कार्यालय के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, जिसको लेकर आरएसएस के कार्यालय को नोटिस भेजा गया है, जिसको लेकर बताया गया है कि उनके तरफ से भी जल्द जवाब दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, कोलकाता में ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अवैध अतिक्रमण बताकर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी का एक कार्यालय भी नहीं बच पाया जो कि तारातल्ला गोरगाछा में था। उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से बुलडोजर बीजेपी के ऑफिस पे भी चला। लेकिन अब ये खबर सामने आती है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय भी नहीं बच पाए। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय बनाया, जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बनाया, तो उसके बाद उस पे भी बुलडोजर चला। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें आरएसएस का एक ऑफिस भी निशाने पे है, उसको भी नोटिस भेजा गया है, और जैसे ही जवाब आएगा और अगर अवैध पाया गया तो उस पे भी बुलडोजर चल सकता है। तो ये खबर थी कोलकाता से जो मैंने आपके सामने रखी, किस तरीके से बुलडोजर अभियान जो चल रहा है उसमें जो भी कार्यालय सामने आ रहे हैं, निशाने पे आ रहे हैं, उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।